श्रीलंका वालों, तुम्हारी तो सबसे ज्यादा सूझी है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक, रन तंत्र में वेलकम। दोस्तों, एशिया कप के चैंपियन बन गए हैं हम लोग, और क्या शानदार तरीके से बने हैं। एशिया कप से पहले हम खाली बॉलीवुड से अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहे थे। पाकिस्तान वालों को पसूड़ी गाने का रीमेक बनाकर हमने परेशान किया, श्रीलंका वालों को आदि पुरुष बनाकर परेशान किया, लेकिन क्रिकेट में हमने परेशान नहीं किया भाई साहब, जलील किया है, जलील अल्ट्रा प्रोमैक्स किया है। सिराज भाई, क्या चीज हो यार, आप तबाही हो, टोटल तबाही। इतनी जल्दी तो पिज्जा वाले घर पर पिज्जा डिलीवर नहीं करते जितनी जल्दी तुमने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन डिलीवर किया है। श्रीलंका इनिंग से ज्यादा लंबी तो ये वीडियो होगी अगर हम ये कहें कि भारत के वनडे इतिहास की टॉप 3 गेंदबाजी प्रदर्शन में मोहम्मद सिराज का नाम शामिल होगा तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। श्रीलंका के प्लेयर्स के साथ तो बहुत बुरा किया है मोहम्मद सिराज ने। मुझे तो लग रहा है डेनियल अलेक्जेंडर का क्या हाल हो रहा होगा भैया। श्रीलंका में कोई वीडियो देख रहा है तो जाकर चेक करो, कहीं भाई ने सर्फ ना खा लिया हो, कहीं उसने फिनाइल से कुल्ला ना कर लिया कहीं उसने हार्पिक से अपनी आंखें ना धो ली हो। और 2 मिनट की शांति पाकिस्तानियों के लिए भी रख लेना, जिनको ये लग रहा था कि श्रीलंका उनके बाद इंडिया को भी हरा देगी। लेकिन हारना तो छोड़ो, मोहम्मद सिराज ने हार की फोटो पर हार चढ़ाया है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वाले जितने विकेट 50 ओवर में अपने 6 गेंदबाजों के साथ नहीं ले पाए थे, उससे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज अपने 1 ही ओवर में ले गए। गजब बेइज्जती है। मेरा दोस्त मैच शुरू होने पे संडास गया था, जब तक वापस आया मैच खत्म हो गया था। कहने लगा समझ नहीं आ रहा है कि संडास मैंने किया है या फिर श्रीलंका की टीम ने। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। अच्छा होता कि श्रीलंका वाले अपने साथ लोटा लेकर मैदान पर आते, कम से कम इस बहाने उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई तो हो जाती। जिन्होंने मैच नहीं देखा, मैं बता दूं, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बारिश की वजह से मैच 40 मिनट लेट शुरू हुआ, लेकिन सिराज की वजह से मैच सूरज डूबने से पहले ही खत्म हो गया। सिराज को शायद किसी ने बताया नहीं कि हम डे नाइट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने अपने 1 ही ओवर में 4 विकेट हासिल कर लिया। श्रीलंका के चमिंडा वास, पाकिस्तान के मोहम्मद शामी और इंग्लैंड के आदिल रशीद के बाद 1 ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज इस शताब्दी के चौथे गेंदबाज बने हैं। उन्होंने 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, और क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी है। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा ने ऐसी परफॉर्मेंस के बाद सिराज की बीच पिच पर नजर क्यों नहीं उतारी। उनके 6 विकेट की बदौलत श्रीलंका मात्र 50 रन पर ऑल आउट हो गया। श्रीलंका फैंस को कल समझ में आया होगा कि आईपीएल में बेंगलुरु के फैंस को कैसा लगता है। दिल से बुरा लगता है भाई। खैर, लगने से याद आया, कल सुबह 8:30 बजे आपको बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि यही मैच जो इंडिया ने फाइनल मुकाबला जीता श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर, इसी मैच से जुड़ा एक आसान सा क्विज खेलने वाले हैं हम लोग कीवी ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में कीवी ऐप का लिंक दिया, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, फ्री में क्विज खेलना, इसी मैच से जुड़े सवालों के यस या नो में जवाब देना, और हजारों रुपए जीत सकते हैं आप 10 सेकेंड के अंदर। बस ऐप डाउनलोड करो और कल सुबह 8:30 बजे लाइव मिलना हम लोग को, ठीक है। और अगर ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो 8:30 बजे मिल ही सकते हो। कीवी ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडिया को एशिया कप फाइनल जीतने के लिए स्कोरबोर्ड पर 51 का शगुन चढ़ाना था। रिक्वायर्ड रन रेट था 1 रन प्रति ओवर। हमें लगा चलो 10-12 ओवर लगेंगे टारगेट बनाने में, लेकिन रोहित शर्मा को लगता है मोदी जी का कॉल आ गया था और पूरी टीम को रात में बर्थडे पार्टी पर बुलाया गया था क्या मोदी जी की तरफ से। इसलिए ईशान किशन और गिल की ओपनिंग जोड़ी ने ऐसे खेलना शुरू किया कि रात की ही फ्लाइट पकड़ लेंगे तो सही रहेगा। करने को ज्यादा कुछ तो था नहीं। गिल और ईशान किशन ने ऑलरेडी श्रीलंका के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया। मात्र 37 गेंद लगी टीम इंडिया को 51 का शगुन चढ़ाने के लिए, और इसी के साथ 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी भारत आ गई। तो भैया कहने का मतलब यह है कि एशिया हुई हमारी, अब दुनिया की बारी। मोहम्मद सिराज की तारीफ में जितना कहो उतना कम होगा, इसलिए कमेंट बॉक्स सिराज भाई की तारीफ से भर जाना चाहिए। रणतंत्र के इतिहास का सबसे भरा पूरा कमेंट बॉक्स होना चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट मेरे को इसी वीडियो में चाहिए हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे एशिया कप के पोस्टमार्टम के साथ और सिराज की और भी तारीफों के साथ कल। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक के देखे तो पेज को लाइक करिएगा और कीवी ऐप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसी फाइनल मुकाबले के ऊपर हम लोग एक क्विज खेलेंगे कल सुबह 8:30 बजे। जी हाँ, बस ऐप डाउनलोड करो और आसान से सवालों के जवाब देकर हजारों रुपए जीतो। मिलते हैं सुबह 8:30 बजे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।